यह है कि 14 जनवरी के बाद बिहार में कुछ भी हो सकता है, कभी भी नीतीश कुमार पलटी मारकर भाजपा में आ सकते हैं। मैंने उनका बयान देखा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपनी बात को स्पष्ट कर चुकी है। हमारा जदयू से कोई संवाद नहीं है और जदयू और बीजेपी के बीच का जो रिश्ता है वो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। इसलिए ऐसी कोई भी चर्चा हमारी तरफ से नहीं। और जो सो कॉल इंडिया अलायंस है वो अभी तक न संयोजक तय कर पाया, न सीट शेयरिंग कर पाया, न अपने प्रधानमंत्री पद का दावेदारों का चेहरा पेश कर पाया। जदयू के लोग बयान देते हैं कि वो नीतीश कुमार जी को चेहरा बनाए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग के साथ हो रहे हैं, बड़ा दुख होता है उनकी स्थिति को देख के। हमें छोड़कर गए लेकिन कुछ मिला नहीं। सबको यहाँ पे उन्होंने बुलाया था, जोड़ा था, लेकिन जिनको जोड़ा उन्होंने ही इनकी दावत खा के इन्हीं के खिलाफ बयानबाजी कर दी। लोकसभा का चुनाव सर पर है और लोकसभा के चुनाव में इस बार अपार बहुमत से फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। उन्होंने बैनर लगाया था, बिहार ने देखा है देश देखेगा। बिहार ने जो देखा वो देश न देखे तो अच्छा है। आज अपराध तेजी से बढ़ रहा है। अपराध और अपराधीकरण की घटनाएं भागलपुर लोकसभा में भी, नौगछिया भागलपुर मिला के कह रहा हूं, कल भी एक 3 लोगों की किलिंग हो गई, उससे पहले भी गोली चली, इधर भी एक प्लॉटर को गोली लग गई, नौगछिया में गोलीबारी हो गई। वहां पर जो घटना घटी वो बहुत दुखद है। अपराध और अपराधीकरण तेजी से बढ़ रहा है और पूरी सरकार के जो दल हैं वो एक ही काम में लगे हैं कि गठबंधन में उनके, ये महागठबंधन नहीं है, लठबंधन हो गया है। आपस में सब एक दूसरे से हिसाब करने में लगे हैं। सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं। हम लोग चाहते हैं कि अगर वो सरकार में है तो परफॉर्म करें।